हेलो फ्रेंड्स, वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ, जो कि आप लोगों का 4 तारीख को पॉलिटिकल साइंस का आप लोगों का पेपर हुआ था। तो यहाँ पे अपना कोड मैच कर लेना, और फिर ये आप लोगों का जो सीरियल नंबर था, ठीक है, और ये आप लोगों का 3rd सेमेस्टर का पेपर हुआ था, तो वही आप लोगों को क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, जिनका भी नेक्स्ट पेपर पॉलिटिकल साइंस का होने वाला है। तो चलो फिर स्टार्ट कर देते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे आप लोगों को 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या पूछ रखा था, हाउ द नेचर ऑफ द नेशन स्टेट हैज ट्रांसफॉर्म इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, ठीक है। ये आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन था। ओके, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का और पार्ट में है दो। तो यहाँ पे आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट आर सेफ गार्ड प्रोवाइडेड टू टू अ डिसेबल पर्सन अंडर द डिसेबिलिटी एक्ट क्रिटिकली इवेलुएट। ओके, उसके बाद आप लोगों का इसी का और ऑप्शन में आप लोगों का क्वेश्चन था, व्हाट इज प्रिकॉशन टू गेट इंफॉर्मेशन थ्रू द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। मतलब कि 2005 के अकॉर्डिंग कौन कौन से राइट हमें प्रोवाइड है। ओके, उसके बाद आप लोगों का डू यू थिंक दैट इज स्ट्रेंगेट डेमोक्रेसी इन इंडिया। ओके, उसके बाद आप लोगों का है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों का है, क्रिटिकली एनालाइज द चेंजेस इन लॉ अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कशॉप, ठीक है। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 पार्ट दिए गए हैं। तो 2 पार्ट में आपसे आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, मेक श्योर ऑफ द चेंजिंग आइडिया ऑफ कंट्री स्टेट विद रिगार्ड टू ग्लोबलाइजेशन। ओके, उसके बाद आप लोगों का है नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डू यू फिगर आउट बाय टायनर्ड सिस्टम, ड्रॉ एग्जामिनेशन अलोंग डायरेक्टरी एंड वोट बेस्ड रेगमीस। ओके, उसके बाद आप लोगों का है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, व्हाट डू यू ग्रैब बाय रिलेटिव लेजिस्लेटिव इशू, एनालाइज द चेंजिंग नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ नियर लेजिस्लेटिव इशू। ओके, उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 में भी और पार्ट आप लोगों का दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट है आप लोगों का, फर्स्ट पार्टी सेकेंड पार्टी एंड मल्टीपल पार्टी सिस्टम को आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ पार्टी सिस्टम इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, मतलब कि पार्टी सिस्टम को कैसे मतलब कि इनोवेशन हुआ है और ग्रोथ हुआ है अभी के टाइम में। ओके, उसके बाद आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों का है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अरेस्ट एंड डिटेंशन, डिस्कस द राइट ऑफ सिटीजन एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। ओके, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के शॉर्ट नोट्स जो हैं, वो आप लोगों का शॉर्ट नोट्स ये था। पहला था आप लोगों का सिक्योरिटी स्टेट, उसके बाद आप लोगों का है ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसके बाद आप लोगों का है फ्रीडमलिज्म इन कनाडा, उसके बाद आप लोगों का है स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ये आप लोगों के लास्ट मतलब कि 4 तारीख को जो पेपर हुआ था, वही आप लोगों के साथ पेपर शेयर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। अगर आप लोग इसका आंसर पीडीएफ चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके अपना आंसर पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हो विद सम चार्जेस में। तो जाओ अपना आंसर पीडीएफ कलेक्ट कर लो। अगर आप लोग को आंसर का वीडियो चाहिए, तो मेरे को कॉमेंट में बता देना, मैं आप लोगों को आंसर की वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हुए। थैंक यू।